इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत के बीसलपुर में सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्लिम समाज में सपा के साथ रहने के लिए शपथ। सपा कार्यकर्ता बोले, मुस्लिम समाज में साइकिल धर्राटे काट रही सपा कार्यकर्ताओं के ताबड़ तोड़ नुक्कड़ सभा जारी। बीसलपुर के चांद मस्जिद और मोहल्ला दुर्गा प्रसाद में हुई नुक्कड़ सभा। हजारों सपा कार्यकर्ता एवं समर्थक नुक्कड़ सभा में रहे मौजूद। रिटायर उप निरीक्षक एवं सपा प्रत्याशी प्रतिनिधि बीसलपुर के विकास का किया दावा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यूपी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम कर रहा है। बीसलपुर की यदि बात की जाए तो समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बीसलपुर के मुस्लिम समाज के लोगों ने सपा प्रत्याशी को जिताने का मन बना लिया है। बीसलपुर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने शबनम बेगम को अपना प्रत्याशी बनाया है। शबनम बेगम रिटायर उप निरीक्षक अली शेर मंसूरी की पत्नी है। आपको बता दें, इस समय शहर में अली शेर मंसूरी का समाज में बड़ा वोट बैंक है। मंसूरी समाज लोगों सहित मुस्लिम और हिंदू समाज ने इस बार अली शेर मंसूरी के सर पर ताज पहनाने की ठान ली है। आपको बता दें, अली शेर मंसूरी की नुक्कड़ सभाओं में हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहते हैं। इस दौरान राम प्रताप गंगवार, आफ्ताब आलम, मुक्तिदर हयात, मोहम्मद अली शेर मंसूरी, अली मोहम्मद यासीन अहमद समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर पालिका में इस बार मुद्दे यही है कि सड़कों की व्यवस्था बहुत खराब है, नालियों की व्यवस्था बहुत खराब है और पेयजल व्यवस्था बहुत खराब है, जिसको मैं अगर नगर पालिका में जीत के आता हूँ तो सुचारू रूप से ठीक कराऊंगा। बारिश के बाद में निकलना दूभर हो गया है, गाड़ियां तक बंद हो जा रही हैं, पहिए पूरे डूब जा रहे हैं, आदमी अपने कपड़े ऊपर चढ़ा चढ़ा के निकल रहा है और सब उसके कपड़े खराब हो रहे हैं। बाहर क्या माहौल लग रहा है शहर में? इस बार माहौल लग रहा है कि समाजवादी की प्रत्याशी शबनम बेगम जीतेंगी। क्या रणनीति तय की है कि मैं अपने मुद्दों को लेकर पूरे शहर में घर घर जाके डोर टू डोर मिल रहा हूँ और जैसे इस तरीके से कुंडी खटकाओ अभियान चला रहा हूँ। मेरी टक्कर तो किसी से भी नहीं है।